नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। प्रथम भाग है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें पता होनी चाहिए टेन 30 की वैल्यू। आशा करता हूं आपने अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात विशिष्ट कोणों वाला जो चैप्टर है, जो टेबल है, वह अच्छे से पढ़ा होगा। ये हमारे पास टेबल है, इसमें टेन 30, ये देखिए ये है 30 डिग्री, इसमें नीचे आएंगे और यहां से ये है टेन, तो इसकी वैल्यू आती है 1/√3, यानी टेन 30 है 1/√3। तो देखिए 2 इंटू टेन 30 यानी 1/√3 बटा 1 प्लस टेन 30 का स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर 30 यानी टेन 30 का स्क्वेयर, यानी कि टेन 30 की वैल्यू है 1/√3 इसका स्क्वेयर के बराबर। इसे हमें हल करना है। तो देखिए 2 गुना 1 हो जाएगा 2/√3 और उसके नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर होता है 1/√3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3। अब देखिए यदि इसके 1 के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, इसे हम आगे हल करेंगे 2/√3 बटा नीचे आ जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर 1 से गुना कर दिया 3 प्लस 3 को 3 से भाग किया 1 और 1 को ऊपर 1 से गुणा कर दिया 1। तो इससे हमारे पास प्राप्त होगा हमें 2/√3 और उसके नीचे है 3 + 1 = 4/3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3, ये जो भाग है यह बन जाएगा गुना और अगली जो संख्या यह हो जाती है उल्टी, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं यानी उल्टा कर देते हैं, यह 4/3 है, यहां जाके हो जाएगा 3/4। तो इससे आगे इसको हल करेंगे हम, देखिए 2 और 4 आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, तो यह आ गया 3/√3। अब बच्चों हमें अपने उत्तर में बट रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, इसको ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 × √3 हो जाएगा 3 × √3 बटा नीचे आ जाएगा 2 × √3 × √3 होता है 3। अब एक बार फिर से देखिएगा, यह 3 इस 3 से आपस में कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर है √3 और नीचे है 2, यानी √3/2 हमें प्राप्त होगा। और बच्चों √3/2 जो है, यदि आप टेबल में देखेंगे √3/2 कहां कहां आ रहा है, देखिए 1√3/2 यहां आ रहा है यहां पर और 1√3/2 यहां आ रहा है। तो टेबल में आपके 2 जगह √3/2 आ रहा है, एक है साइन 60 डिग्री, दूसरा है कॉस 30 डिग्री। इसका मतलब पूरे टेबल में और कहीं भी √3/2 नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा उत्तर या तो होगा साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री। तो आइए जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, साइन 60 ये रहा, कॉस 30 कहीं नहीं है, इसका मतलब सही उत्तर है ए भाग साइन 60 डिग्री। सो हम लिखेंगे सही विकल्प कौन सा है बच्चों, ए भाग साइन 60 डिग्री। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को अच्छे से समझना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।